नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित, और आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लोगों ने मैसेज करके पूछा था, लास्ट वन वीक से पूछ रहे थे, और मैं प्रॉमिस भी कर रहा था कि मैं लेके आऊँगा, लेकिन मेरा शेड्यूल थोड़ा इतना ज़्यादा बिजी है, मैं आज ही नेक्स्ट वन वीक के लिए थोड़ा ट्रैवलिंग करने वाला हूँ, तो अवेलेबल नहीं रहूँगा, वीडियो जो रहेंगे वो फ्रिक्वेंटली नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा आपको ट्रेड देने का, और जहाँ भी मुझे टाइम मिलेगा मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा, स्पेशली जो डेली एनालिसिस वाला रहेगा। अब सीधा स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो पर, और ये रहेगा टाटा मोटर्स पर। तो टाटा मोटर्स पर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि टाटा मोटर्स में क्या करना है। तो एक चीज़ सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो लोग रेगुलर फॉलोअर्स हैं या फिर जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, इनको हमने ऑलमोस्ट 520 से लेके 500 के बीच में कहा था प्रॉफिट बुक कर दीजिए, बहुत पहले कहा था, और मैंने खुद भी ये कहा था कि मैं पर्सनली भी प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ अराउंड 490-500 के आसपास, मैंने खुद भी इसमें पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब हमने बाय कहाँ किया था, तो हमने एक वीडियो डाला था 6 जून 2021 को, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है मैंने, ऊपर आई बटन पे भी फ्लैश हो जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके पहले जाके वो वीडियो देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो ये लाइंस बनी हुई हैं ब्लू लाइंस, ये हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की थी बहुत पहले। बहुत बार क्या होता है कि इवेंट होने के बाद, प्राइस एक्शन होने के बाद लोग बोलते हैं कि यहाँ यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये टारगेट है, हम लोग प्योर टेक्निकल एनालिसिस में बिलीव करते हैं। हमने उस वीडियो में कुछ इस ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है यहाँ पर हमने वीडियो बनाया था, और हमने कहा था कि अगर ये 360 का लेवल क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट इसका रहेगा 400, सेकंड टारगेट रहेगा 440, और थर्ड टारगेट रहेगा 520। एग्जैक्ट यही टारगेट्स बताए थे हमने, और देखिए मैंने आज तक वो लाइंस हटाई नहीं है, मैंने अभी तक रखी है, आप यहाँ पर देखिए वही लेवल्स आराम से, यहाँ पर कैंडल आई है, यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है, सेकेंड टाइम यहाँ कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया टारगेट टच करने के बाद, और तीसरी टाइम आपके सामने है। तो अगर आप प्रॉपर होमवर्क करोगे, मैं हमेशा यही कहता हूँ, और डिटेल में अगर आप समझने की कोशिश करोगे चार्ट्स को, तो आपको सब कुछ एकदम क्लियर नजर आएगा। अब जो बीत गया उसे भूल जाइए, अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कि हम लोगों ने टाटा मोटर्स में प्रॉफिट नहीं बुक किया था, या फिर बुक करना हमारा रह गया है। देखिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बहुत से लोगों का, कि वो लोग सही टाइम पर एग्जिट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग हो, चाहे पोजिशनल हो, वो लोग थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा ग्रीड के चक्कर में आ जाते हैं कि और बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, आपका भी एक टारगेट सेट होना चाहिए, और जैसे ही उस टारगेट के पास पहुंचता है, बी लाइक अ स्मार्ट प्लेयर एंड बुक द प्रॉफिट, लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आपको मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन आप उनको ढूंढते रहिए तो ही मिलेंगी आपको। अब यहां पर टाटा मोटर्स में एक बढ़िया पैटर्न बन रहा है, फिलहाल के लिए मैं सारी ड्राइंग्स निकाल रहा हूं फिर से, करीबन 6 जून के बाद से लेकर 27 नवंबर, आज 27 नवंबर है, और दोपहर के करीबन 1 बज गए हैं यहां पर। तो यहां पर बहुत ही अच्छा एक मुझे प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, और ये प्राइस एक्शन जो है ये स्पेशली जब ये रन अप आया था, तो ये एक ऑलमोस्ट 90 डिग्री में, या फिर आप कहोगे कि तो 80-85 डिग्रीज में एक रन अप था। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी स्टॉक में अगर इस तरह का ऊपर की तरफ अप ट्रेंड बनता है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन कोई स्टॉक कंसोलिडेट करके अगर एकदम ऐसे बढ़ता है तो फिर इसमें जो रिस्क होता है, ये जो बढ़त आई है इसका जो रिस्क होता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है जब गिरना स्टार्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों को नहीं डरा रहा हूँ कि टाटा मोटर्स इतनी तेज़ी से नीचे आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट्स को किस तरह से रीड करते हैं। आप देखिए यहाँ से जो 90 डिग्री में ऑलमोस्ट 80-85 डिग्री में रन आया है, उसके बाद कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया आया है, कंसोलिडेशन अच्छा था, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट भी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर एक डबल टॉप बनते हुए नजर आया है। जो मेरे डेली एनालिसिस करते हैं, मैंने इसको एक बार डेली एनालिसिस वाले वीडियो में इन शॉर्ट मैं 1 मिनट के अंदर कवर करता हूं बहुत से स्टॉक जिसपे सवाल आते हैं। तो यहां पर मैंने कहा था एक डबल टॉप बन रहा है, और डबल टॉप यहां पर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो 540 जब तक या 535 के ऊपर क्लोज नहीं होता है,
आप लोगों को यहाँ पर लॉन्ग नहीं जाना है, ये चीज़ मैंने वीडियो में भी कही थी, ये चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी कही है। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहोगे तो फायदे ही फायदे होंगे, नुकसान कुछ नहीं है। अब यहाँ पर डबल टॉप हमें क्लियर क्लियर नज़र आ रहा था, डबल टॉप की वजह से हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी थी, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक गिरावट स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या है, 480 का लेवल जो है, ये वाला जो लेवल है 480 का, यहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स अपने आप को टेस्ट किया है और अपने आप को एक अच्छा खासा सपोर्ट करके यहाँ पर ये एक्ट कर रहा था। यहाँ पर बहुत बढ़िया सपोर्ट था और यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक किया है। बाउंस बैक करने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था, डबल टॉप बन रहा था, वहाँ से स्टॉक नीचे आया। प्राइस एक्शन को देखिए, यहाँ नीचे आया, वापस सपोर्ट लिया, फिर एक बार ऊपर गया, लेकिन इस बार 500 के लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पाया और स्टॉक ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। कल या परसों के टेलीग्राम चैनल में मैंने एक कहा है, टाटा मोटर्स को 480 के नीचे शॉर्ट करना है, 480 के नीचे, और मैंने वीडियो में भी कवर किया था कि 480 के नीचे टाटा मोटर्स आएगा तो शॉर्ट करना है। यहाँ पर देखिए, कल जो हेवी सेलिंग आई है, जो कोविड के थर्ड वेव की जो बातें चल रही हैं अक्रॉस द ग्लोब, जो हर जगह गिरावट स्टार्ट हो गई है, उसमें जो सेलिंग आई है, इसने 480 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक किया है और यहाँ पर अब ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट अब टूटते हुए नजर आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है कि यहाँ पर देखिए, ये एक गैप क्रिएट हुआ है, और मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स अगर गैप क्रिएट करता है, चाहे वो ऊपर जाता रहा या नीचे, तो मार्केट घूम के उस गैप को फिल करने के लिए जरूर आता है। और यहाँ पर टाटा मोटर्स देखिए, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 455 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ पर आपको सीधा 435 तक टाटा मोटर्स आते दिख सकता है। एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली ये थोड़ा सा स्लोली एंड स्टेडीली भी आ सकता है, डिपेंड करता है मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, मार्केट का मूड कैसा है, उसके हिसाब से ये गैप फिल होगा। लेकिन एक चीज़ है, गांठ बांध के रख लीजिए कि डेफिनेटली गैप तो फिल होना ही होना है, बिना गैप फिल किए ये चार्ट कंप्लीट नहीं है। तो ये हो गया सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब हम लोग, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म पे चार्ट पे देख रहे हो तो ही इंडिकेटर्स लगाइए, वरना इंडिकेटर्स की ज़्यादातर कुछ ज़रूरत नहीं है, प्राइस एक्शन सुप्रीम है। अगर आप प्राइस एक्शन समझ जाते हो तो आप काफ़ी हद तक बहुत कुछ समझ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं डेली चार्ट्स पर 100 और 200 डे लगाऊंगा तो बहुत दूर रहेगा, क्योंकि वो 100 और 200 डे का जो ये जो रनअप आया है, इसने इस कुछ इस तरह से 100 को और 200 को कर दिया है। तो अगर आप उस हिसाब से यहाँ पर देखने जाओगे तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा या फिर आपका जो सपोर्ट रहेगा वो बहुत दूर रहेगा। तो 50 डे एवरेज हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर किया है, पहले 50 देंगे, फिर 100 देखते हैं और फिर 200 देखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते हैं। तो 50 डे मूविंग एवरेज के बहुत पास में आ रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज कहाँ पर आ रहा है, 440 के आसपास। हमारा ये जो ये गैप क्रिएट हुआ है, ये गैप कहाँ आ रहा है, 455 से लेके 435, मतलब ये वाला जो लेवल है और हमारा जो 50 डे मूविंग एवरेज का डेली चार्ट्स पर जो एवरेज निकल, सॉरी जो लेवल निकल के आ रहा है, ये ऑलमोस्ट सेम है। 5 रुपए ऊपर नीचे है उतना कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एकदम बैंग ऑन कहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप एक रेंज बना सकते हैं कि 430 से लेके 440 के बीच में एक बार यहां पर आके सपोर्ट, कुछ इस तरह से सपोर्ट ले सकता है। अगर 440 का लेवल ब्रेक होता है, 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, तो फिर हम आगे देखेंगे इस वीडियो में कि क्या हम किस तरह से आगे एनालाइज कर सकते हैं। तो डेली चार्ट्स के हिसाब से 440 विल बी योर क्रूशियल लेवल। 440 से लेके 430 के बीच में एक बार सपोर्ट लेते आएगा, ये गैप भी फिलअप हो जाएगा, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ ये भी चला जाएगा, और इसके साथ साथ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो डेली चार्ट्स पर है, ये भी यहां पर फिल होते नजर आ सकता है। अब आगे देखते हैं कि डेली चार्ट से हटके वीकली चार्ट्स पर अगर हमें जाना है तो वीकली चार्ट्स पर हमें क्या दिख रहा है। वीकली चार्ट्स पर 50 डे मूविंग एवरेज बड़ा दूर है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि मैं कौन कौन से मूविंग एवरेजेस फॉलो करता हूं। सबसे पहले मैं फॉलो करता हूं 21 डे मूविंग एवरेज, फिर मैं फॉलो करता हूं 50 डे मूविंग एवरेज, फिर मैं फॉलो करता हूँ 100 डे मूविंग एवरेज, और फाइनली मैं फॉलो करता हूँ 200 डे मूविंग एवरेज। 21 डे मूविंग एवरेज क्यों, इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है कि आपके वीक में कितने ट्रेडिंग सेशन है, उसका एक एवरेज निकल के निकलता है। तो 21 डे मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज हमारा ये निकल के आ रहा है, ये बहुत दूर है। आप देखते हैं 21 डे मूविंग एवरेज के कुछ पास में आ रहा है, कुछ सपोर्ट ले सकता है कि नहीं ले सकता है, तो पहले एक बार इसको भी देख लेते हैं।
और जो टाइम फ्रेम है मैं तीन टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, 4 आवर्स, 1 डे और वीकली। तीन टाइम फ्रेम पर मैं हरदम स्टॉक को देखता हूँ। अगर मुझे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए देखना है स्टॉक को, 3 से 6-8 महीने के लिए, साल भर के लिए देखना है, तो 3 टाइम फ्रेम में मैं अपने आप को, मैं स्टॉक को देखता हूँ और अपने आप को इसमें ये एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर स्टॉक बैठ रहा है। अब 21 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए करीबन 400 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे ये दूर लग रहा है। अभी इतना दूर मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक में गिरावट जल्दी जल्दी आएगी। और हमारा एक टाइम फ्रेम जो रह गया है वो रह गया है 4 आवर्स का। अब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में 21 डे मूविंग एवरेज के ऑलरेडी नीचे आ गया है, तो जो 500 का लेवल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर आपको समझ जाएगा कि 21 डे मूविंग एवरेज क्यों इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन, फिर सपोर्ट, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर ब्रेकडाउन, फिर रेजिस्टेंस और फिर नीचे। तो यहाँ पर आपका 21 डे मूविंग एवरेज जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको इस 4 आवर के चार्ट में समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि 21 डे मूविंग एवरेज 4 आवर के चार्ट पर इतना अच्छा सा नहीं प्लेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी सपोर्ट ब्रेक हो गया है। अब नेक्स्ट जो हम कंसिडर करते हैं वो है 21 के बाद 50 डे मूविंग एवरेज ऑन 4 आवर्स चार्ट। तो 50 डे मूविंग एवरेज अगर मैं 4 आवर चार्ट पे लेता हूँ तो ये भी डिसाइसिवली ब्रेक हो गया है और कैंडल्स यहाँ पर देखो आप वही है 480 का लेवल। तो मूविंग एवरेज भी आपको हेल्प करते हैं, बस आपको टाइम फ्रेम मालूम रहना चाहिए और समझना चाहिए कि मुझे कहाँ पर किस तरह से क्या यूज करना है। तो 21 डे ब्रेकडाउन हो गया है, 50 डे ब्रेकडाउन हो गया है, और एक बार हम लोग देख लेंगे 100 डे मूविंग एवरेज भी 4 आवर के चार्ट पर। तो यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज जो आ रहा है वो निकल के आ रहा है 445 के आसपास। तो अब एक चीज़ मुझे समझ में यहाँ पर ये आ रही है कि जो 445 से लेके 435 ये एक जोन बन के आ रहा है जहाँ पर तीन चीज़ें मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रही हैं। 4 आवर्स के चार्ट पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज, फिर 1 डे के चार्ट पर यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज, और वीकली चार्ट्स पर जो है वो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपका काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर हमें क्या आ रहा है, एक सपोर्ट नज़र आ रहा, सॉरी वैक्यूम है यहाँ पर, सॉरी गलती हो गई मुझसे, यहाँ पर रहेगा आपका जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वैक्यूम का लेवल जो आ रहा है वो 435 आ रहा है। तो ये जो जोन बन के आ रहा है तीन चीज़ों का ऑलमोस्ट सेम लेवल निकल के आ रहा है, और ये सेम लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इसलिए होता है क्योंकि मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर ही आके अटक रही हैं। तो अगर आपने ऊपरी लेवल पर लिया है और अगर आपने अभी तक स्टॉप लॉस अपना नहीं ट्रिगर किया है, मैसेज अगर आप हमारे साथ जुड़े थे मैसेज देखने के बाद भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया है तो ये आपके लिए बहुत क्रूशियल लेवल होने वाला है। 445 से 435 5 रुपये प्लस माइनस आप रख सकते हो, स्पेशली मैक्सिमम मैं कहूँगा 430 शुड बी योर मैक्सिमम, उसके बाद आप अपना होल्ड मत कीजिए। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मैं ये एजुकेशन वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं, खुद एनालाइज कर सकते हैं और अपना पैसा उस हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 435 मैक्स टू मैक्स 430 शुड बी योर लास्ट स्टॉप। इसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक में वीकनेस बढ़ सकती है। अगर कोविड का जो ये न्यूज़ आ रहा है थर्ड वेव का, जहाँ हम साउथ अफ्रीका, यूरोप और बाकी कंट्रीज में देख रहे हैं जिस तरह से इसका कहर बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ता रहा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये था आज का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस ऑन टाटा मोटर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, कमेंट्स दे सकते हैं आप, आपको कोई और स्टॉक पर अगर इस तरह का डिटेल एनालिसिस चाहिए वीडियो का तो हम लोग उस पर भी लेके आ जाएंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, जिससे कि नोटिफिकेशन जो है आपके वो मिस नहीं होंगे। So thanks for watching the video, keep learning, keep investing and keep earning.